गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आ चुका हूँ अपने वापस से डेयर डेविल एसएमपी में। अपने घर के ऊपर हूँ मैं एकदम से। और अभी मेरी एक्सपी आप देखिए कितनी है। और ये एक्सोलॉटल भी मेरे को मिल गई थी, साइन एडल्ट एक्सोलॉटल। मैंने शॉर्ट्स बनाए थे। और थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले तो ये वो डर्ट है मैंने यहाँ पे इंट्रो के लिए ऊपर चढ़ने के लिए लगाई थी। तो मैंने उसकी एडवांसमेंट भी मेरे को मिली। वो अगर आप शॉर्ट्स देख लिया करो, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता है। मैं एक्सपी 30 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो शायद मैं अगर इनमें से किसी एक को मारूंगा तो 30 तो हो ही जाएगी। तो किसको मारूं? पिंक शीप को मारते चलो। बाय भाई, नाम की बढ़िया लिटरली। आजा बेटी है। इसने तो इसकी तो दिखी भी नहीं मेरे को। भाई हद है, अब तो काउज खत्म हो गई मेरे पास, चिकन तो है ही नहीं। भाई ये वाली मारता हूँ। अबे गलत जानवर को लगने वाला था अभी। भाई यार अब भी एक डिब्बा बचा हुआ है। एक्सपी फार्म तो है लेकिन पीसफुल पे है, और अभी इजी नहीं हो सकता है। शीप लेट्स गो, अब तो हो ही जानी चाहिए। दो दो हैं, अब तो हो ही जाएगी। ओके अबे यार हद है, आ जाओ। अबे दो शीप्स और, किसको मारूं? इसको ही मारते हैं, चल दे दे। भाई लिटरली अब भी नहीं हुई, अब तो हो ही जाएगी क्योंकि अब तो दिखने वाला गैप भी नहीं बचा। एंड हियर वी गो, मैं आ चुका हूँ अपने एन्चेंटमेंट टेबल पे देखने के लिए कि क्या क्या मिलता है मेरे को अपने। ये मेरे पास ये कब आई, ये चीज़ है शाश्वत की, क्योंकि मैंने तो अभी तक एक भी एन्चेंटमेंट नहीं की। ये सिल्क टच, सीरियसली शाश्वत को तो Fortune 3 मिली गई थी। इस पे मेरे को शायद Sharpness 4 मिल रही थी अब लास्ट टाइम। आयरन स्वॉर्ड, मैं Sharpness 4 क्यों ही लगाऊं इस पे, डायमंड का करूं कुछ अभी। गाइस वो बात की बात है, मैं शाश्वत को कह दूंगा कि क्या कहते हैं इसको, उसमें कर दे थोड़ी देर के लिए इजी में। फिर मैं उसमें जाऊंगा स्केल्टन फार्म में, और अपनी एक्सपी कोशिश करूंगा कि 40 कर लूं। और 40 XP में तो मिल ही जाएगी हमें। Fortune 3 नहीं मिली तो सबसे पहले वाला ऑप्शन लगा लेंगे, उसके बाद तो मिली जानी थर्ड नंबर पे। तो अभी हमें आयरन की कमी पड़ती है, बहुत बार बार माइनिंग पे जाना पड़ता है, तो इसलिए अभी हम आयरन फार्म बनाने वाले हैं। और वो बनेगा, मैं अभी डिसाइडेड नहीं है लोकेशन, मैं अभी ऑन द स्पॉट डिसाइड कर रहा हूँ। तो वो बनेगा, देखते हैं यहाँ ठीक है। हाँ ठीक तो है जगह, ही घर के पीछे ही है। ओके तो इधर एक मार्क कर दे यार, मेरे पास टूल्स क्यों नहीं है मेरे पास, एक मिनट। ये चिया ने यहाँ पे खेती भी एक्सटेंड कर दिया। मैंने बोला था क्योंकि विलेजर्स को हम ले जाएंगे तो उस फार्म के लिए 20 विलेजर लगेंगे, तो भाई साहब हालत ख़राब होने वाली है। इतने तो मैं टाउन हॉल में ही नहीं है। भाई साहब जब वो फार्म कंप्लीट होगा ना इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। लेकिन ये उस अगर हम इतनी मेहनत कर लेते तो हमें फिर इनफाइनाइट आयरन मिलता ही रहेगा हमेशा। और क्या लूँ अभी, रुको यार। तो काफ़ी सारे टूल्स मैंने बना लिए हैं, और मैं अपनी इन्वेंटरी खाली कर दूं यार। सारे टूल्स बना लिए भाई, फिर बाद बार में जाना पड़ता है, हो भी बना ली। ओके यहाँ वुल वाइट वाली तो मेरे पास पहले से बहुत सारी है, उसी में रखता हूँ ना। ओके अरे बकेट, वाटर बकेट में यूज़ तो कर नहीं पा रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि डायमंड पिकैक्स गायब भी हो जाएगी यहाँ से। मेरे घर में पता नहीं आती रहता है हर कोई। तो चलो अब हम चलते हैं कहाँ पे यार। मैं क्या हूँ, कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ। मेरे को एक चीज़ लेनी थी, वो मैंने ली भी नहीं है, उसके लिए वापस आ जाऊँ। और गाइस सरप्राइज कमिंग सून, अगर आपको याद है मैंने 3 महीने पहले शायद एक वीडियो डाली थी, सब बिग सरप्राइज, उसका थर्ड सरप्राइज मैंने रिवील नहीं किया था। तो वो बहुत अच्छा सरप्राइज होने वाला है, उसको आप सब इंजॉय करने वाले हो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट।
और मैं कभी भी रिवील कर सकता हूँ क्योंकि अब जून का महीना शुरू हो गया है। भाई मैं यहाँ से आ रहा था और मेरे को खेत के पीछे देखो क्या मिला है। भाई ये क्या है, ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा कि अभी मैं 30 XP के साथ मरने वाला हूँ। ये कॉबल स्टोन के नीचे क्या पता कोई ट्रैप नहीं है। ओके भाई ये किसने किया है, शायद कोई माइनिंग पे आया होगा, लेकिन भी इतनी डरावनी माइनिंग कौन करता है। ओके छोड़ो यार इसको, किसी का कुछ हो सकता है प्लान, और मैं 100% कह सकता हूँ शाश्वत जी है। तो अभी हेलो शीप्स, हाँ तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आयरन फार्म नहीं बना रहा मैं, अभी मैं विलेजर्स को पहले टाउन हॉल से यहाँ पे लाऊंगा, उनकी ब्रीडिंग करा के उन्हें 20 बनाऊंगा और उसके बाद उन्हें आयरन फार्म में ले जाऊंगा। तो ये आयरन फार्म की लोकेशन नहीं है, ये विलेजर्स के उसकी लोकेशन होगी। ओके गाइज मैंने एरिया खाली कर दिया, अभी सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एक कॉबलस्टोन भी है। तो भाई साहब ये थोड़ा छोटा नहीं है 20 विलेजर्स की ब्रीडिंग के लिए, मैं और बड़ा करता हूँ इसको। ओके गाइज ये हो चुका है। तो यार अभी यार मैं अपनी वाटर बकेट यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसमें एक काफ़ी रेयर चीज़ है, तो मैं तो सोच रहा हूँ नई बकेट बना लूँ, वरना मेरे को बार बार से ब्लॉक्स लगाने पड़ रहे हैं। तो अरे यार ये क्या कर दिया मैंने पीछे, मैंने सुना है चिया कि लूट वो अपने घर में नहीं रखती हो, हट में रखती हो, पता नहीं ऐसा क्यों। तब भी देख लेते, ग्लास है इसमें, एक ग्लास पेन, वेरी गुड, क्या ही करूँगा इसका। भाई मैं सोचा था कि टॉप पे ऐसे वो लगाऊँ ग्लास पेन, ग्लास पहली बार पांचों सही से सो रहे हैं, वरना कभी कोई ऐसे ज़मीन पे है, कभी ये भाई साहब। और ये ग्रीन वाले विलेजर्स को तो हमें रखना ही नहीं, अपने फार्म में ख़राब ही कर देंगे पूरा। और ये हेलो लाइब्रेरियन, हेलो फिशरमैन, हेलो फ्लेचर, हेलो दो वेले लोग। पिछली बार मैं एक ऐसी आयरन के एडवेंचर पे जाता, मेरे को राघव वाला लावा पुल भी मिल गया और मेरे को ये डार्क ओक के तोड़ लाया था मैं। तो मैं सोच रहा हूँ चाहे वो ट्रांसपेरेंट ना रहे, वो पेक ही रहे, तब भी मैं इसको इसी से ढक देता हूँ डार्क ओक से, और मैं जा के चेक कर लेंगे हम अंदर। और बेड्स तो शाश्वत का काम है, बेड्स और फ्लैचिंग टेबल्स। ओह भाई साहब, तो चलो लगाते हैं वुड, और टॉर्चेस भी लगानी है क्योंकि एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया अंदर और हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अरे हाँ भाई मैं बैस्टियन को भूल ही गया था, अगर आपने शाश्वत का एक शॉट देखा तो हमें उसमें नेदर के अंदर एक बैस्टियन मिल गया, तो हम उसमें भी जाने वाले हैं। अभी हमारे डर लग रहा है उसमें जाने के लिए, एक्चुअली मेरी XP देखो ना कितनी है, मैं ऐसी वहाँ जाके मेरे को पता है मरना है, तो या तो मैं सोच रहा हूँ टोटम लेके जाऊँ या तो सोच रहा हूँ XP कम करके जाऊँ। ओके 28 अब काफ़ी हैं ज़्यादा। अरे यार ये हमेशा होता है मेरे साथ, उस पर निशाना ही नहीं लग रहा। ओके लग गया एंड हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैं एक सीढ़ी बना देता हूँ जो क्या कहते हैं, अरे यार ये ऐसे नहीं, हाँ एक सीढ़ी होगी यार, लेकिन विलेजर्स के मरने का डर रहेगा, वही है सिर्फ। तो एक काम करते हैं इसको पूरा ही खोल देते हैं। अरे वाह भाई बाहर भाग लेंगे ये, बहुत चलाक है। इसको ढको इनको भाई जाने। तो अभी हम काम, ये क्या किया, क्या किया मैंने, मेरे को रेल लगानी थी, मैंने क्या लगा दिया। अभी हमें वहाँ तक रेल बनानी है ताकि हम इन विलेजर्स को वहाँ ले जा पाए, वरना ये बोट से तो बहुत नखरे मचाएंगे। और हम दो को ही लेके जाएंगे, फिर उनकी ब्रीडिंग करा देंगे। चिया के घर के बिल्कुल पीछे से जा रही है ये, मेरे को माइन शाफ्ट से मिली थी बाय द वे रेल्स, जिनको नहीं पता भाई शॉर्ट्स में होता है सारा वो अपडेट वगैरह जो हम कर रहे होते हैं अपग्रेड, क्योंकि हर टाइम तो वीडियो बनाने नहीं बैठते ना, ऐसे कोई चीज़ मिल जाती है, कुछ लकी सी मूवमेंट हो जाता है, तो हम शॉर्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं।
और उन पे व्यूज़ भी आ जाते हैं अच्छे खासे। भाई कम पड़ गई। अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर में, और मैं अपने मेरे पास इतना सामान तो है ही कि मैं आयरन तो बहुत सारा है कि मैं रेल ट्रैक्स बना पाऊँ, और वुड भी होगी। हाँ वुड डाक ओक की यूज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा हिम्मत करके वहाँ से तो पास में ही तो है जगह, वहाँ से लेंगे। तो आयरन अभी मेरे पास काफ़ी है, वुड भी। तो पहले हम बनाते हैं वुड की स्टिक्स, अब बनाते हैं आयरन। 32 यार सिर्फ इतना आयरन और ही लाना पड़ेगा भाई, स्मेल्ट कर लेंगे। मेरे पास एक स्टैक अनस्मेल्टेड है, देखो ना। ओके 17 और आ चुका है। ओके यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ज़्यादा बना के अपना आयरन ही वेस्ट कर लिया। बीच बीच में पावर रेल्स भी लगानी होगी, वो तो बाद का काम है। हम मतलब धक्का वक्का ही मार लेंगे विलेजर्स को पावर ड्रिल पे। गोल्ड कौन वेस्ट करे, ये गोल्ड मैं तो ये गोल्डन एप्पल्स या फिर पिगलिन से ट्रेड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं। वैसे तो मैं मेरे को पता है कि ऐसे साइड से सफोकेट नहीं होते, लेकिन मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला। बस फिर भी पेड़ के दूर से, क्योंकि पेड़ से बहुत विलेजर्स मर जाते हैं भाई, और तब इतना दुख होता है सही में। ओके गाइज वो विलेजर्स हमारा इससे कनेक्ट हो चुका है, और रेल एकदम पूरी पड़ गई एग्जैक्ट उतनी। और यहाँ पे बस एक पावर ड्रिल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे धक्का मारने मुश्किल होगी। बाकी पूरा हिसाब बन चुका है, अब देखते हैं। ओके गाइस ये मैं वीडियो रुक गई थी क्योंकि शाश्वत ने कॉल किया था, इसके बावजूद जबकि मैंने उसको बोला था कि डोंट कॉल मी, तब भी उसने कर दिया। अभी रुको, ये किसने करे? तो गाइस ये आ गया नन्नू इतने टाइम बाद मेरे वीडियो में, पहले आया था बहुत। ये क्या था, ये क्या है, ये जो नंबर हुआ है ये नन्नू वो है। शाश्वत है भी ये सर्वर है? शाश्वत दिख नहीं रहा सर्वर में, सही बताऊं है दिख गया दिख गया। ये आने वाला है? हाँ इसने पहली बार देखा। अरे आ गया शायद यहीं पे, नहीं वो तो अबे तो मुर्गी थी, मैं मुर्गी को शाश्वत समझ रहा हूँ। वो कहाँ चले गए अब? वो तो वहीं पे हैं बाहर। कहाँ है अबे, उसको मैं दिखा ही नहीं अब तक, अब दिखूंगा। अबे भाई टावर अब लुक खराब करता है। ये देखिए देखिए क्या कर रहा है, इंट्रो दे रहा है क्या वीडियो का? हेमलो जी क्या कर रहे हो, इसको तोफू देता हूँ पीछे से। तोफू कबूल। अच्छा ये फ्लिंट वाला काम कर रहा है। ओके इसको फ्लैचिंग टेबल ना, सॉरी भाई मेरे को लगा कच कच हरकत करने वाला, सॉरी सॉरी। अबे भाई सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ माफी। भाई इसका डैमेज देखो कितना खतरनाक है। चलो इसको अपना काम करने दो, हम चेक करते हैं कि विलेजर जा पा रहा है जो हमने बनाया है रेल सिस्टम। तो लेट्स टेस्ट, क्या करेंगे टेस्ट। यस इसको समझ नहीं आया, खैर समझ आ गया वैसे। वो काशीना पाकिसीना अरे यार ये तो जाएगी नहीं। फाइनली 45 हो गए। तो गाइस यार इस वाली उस पे वो नहीं लगती क्या, रेल लगी नहीं रही है। ओ और भाई ये विलेजर हट जा यहाँ से, ये कमी पड़ रही थी इसलिए मेरे को ये वाली रेल यूज करनी पड़ गई, क्योंकि भाई मैं चलो भाई बैठो बैठ जा बैठ जल्दी भाई बैठ। अभी वो अच्छा उसको अभी दिख रहा है ना, चल बैठ, मैं मुक्का मार दूंगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। ओके भाई ये सफोकेट होने लग जाएगा इसलिए हमें ये भागे ना खुलने के बाद, इसलिए नहीं 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 प्लीज भाई तू तो,
भाई क्या हो रहा है, मेरा लैग क्यों हो रहा है इतना? यार विलेजर मर गया, सैडली सेइंग, बट वो मर गया। भाई मैं क्या करूं, मानते ही नहीं, इतने ढीठ विलेजर्स। भाई माइनक्राफ्ट जली कहाँ गई यार, शाश्वत तो नहीं ले गया? मेरा लैग वो सोच से मर गया भाई, मैं तो उससे यार गुस्सा आ गया मेरे को यार। मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैंने शाश्वत के गोल्ड गोल्ड मेडल वाले उसको विलेजर को मार डाला भाई, गलती से मर गया, लैग हुआ वो उसके ट्रेड वाले बटन पे दब गया और उतनी देर में वो सफोकेट हो गया। मैंने भी थोड़ी केयरलेसनेस दिखा दी। फिर नहीं नहीं प्लीज भाई यार, तुम ना मेरे से मुक्के खाओगे, सही में सही बता रहा हूँ। वेरी गुड भाई, मैंने सोचा गई। ये देखिए क्या कैसे ये लेके गया था मेरी माइनकार्ट, मैं ढूंढ रहा हूँ। उतर, इसकी हद है। हाँ इसलिए सो रहे हैं। ये देखो डब्ल्यू कैसे बना रखा है। हाँ देखो ऐसे होता है, डब्ल्यू ऐसे क्यों बना रखा है यार। शाश्वत ने गन मचा दिया माइन कार्ड्स का हॉच पॉच करके, अब मैं कैसे उतारूं उसको? लाइब्रेरियन को बेवकूफ कहीं का बैठ के आ रहा था आगे से। भाई यार हट ना यहाँ से, शार्पनेस वाली स्वॉर्ड ले रखी है, एक फटके मर जाए वो बेचारा बेवकूफ। हट यार, हट जा यहाँ से। ओके यस ओके, अब टेस्ट कर सकते हैं हम। चल चल ब्रो, यार क्या है, हद हो गई, नीचे गिर गया ना। बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरियन। ये शाश्वत भैया क्या कर रहे हैं? अरे फिर नहीं, फिर से नहीं यार। ओके ये अब ये विलेजर जाएगा भाई। यार माय विलेजर मर गया शायद, एक और लाइब्रेरियन वाला, कोई बात नहीं। चल भाई स्पीड में चल ही नहीं पा रहा। अरे चल, वेरी गुड वेरी गुड यार, सारी मेहनत जा रही है मेरी। सफोकेट मत होइयो, बस ठीक है, इनको मैं अकेले में ही लेके जाऊंगा भाई।